मध्य प्रदेश में एक भर्ती ऐसी भी हुई जिसमें सरकार ने ज्वाइनिंग के लिए उम्मीदवारों को तो बुलाया लेकिन वो पोस्टिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। हम बात कर रहे हैं एमपी पटवारी भर्ती की। दरअसल विवादों के बीच शासन ने पटवारियों को ज्वाइनिंग देने के लिए बड़ा कदम तो उठाया लेकिन 2000 कैंडिडेट पहुंचे ही नहीं, जिससे ये सभी पद खाली रह गए। दरअसल पटवारी भर्ती 8617 पदों पर होनी थी। पहली काउंसलिंग में 25 फरवरी को सिर्फ 6417 उम्मीदवार ही ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे। उधर इस भर्ती को लेकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन मोर्चा खोले हुए है। हमारे संगठन द्वारा लगातार पटवारी फर्जीवाड़े को लेकर आंदोलन किए गए, सारी चीजें हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात हम लगातार रख ही रहे हैं। और जो पटवारी फर्जीवाड़ा इतना बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब 9000 इसमें अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होना थी, वेरिफिकेशन होना था, वहाँ पर 2 से 2500 जो है अभ्यर्थी उसमें आए ही नहीं है। उन कहीं ना कहीं इससे सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कि आपको जब 2 से 2500 इसमें पद खाली हो रहा है। युवा बेरोजगारी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बात भी कर रहा है, तो आप वो 2 से 2500 पदों पर काउंसलिंग कर उनको युवाओं को जो उसमें जिनके और मार्क्स हैं या जिनके उनसे कम मार्क्स वाले बच्चे उनको बुलाइए, उनका वेरिफिकेशन कीजिए और उनको ज्वाइनिंग दीजिए। आपको डर किस बात का है? आज वो जो अगर 2 से 2500 पद अगर अभी नहीं भरे गए तो बैकलॉग में चले जाएंगे और फिर उसके लिए भी हमको बैकलॉग पदों के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे 1 लाख से ऊपर जो एसटी विभाग में या उसमें 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, तो आप ये बैकलॉग पद में ना जाने दिए जाएँ। स्पष्ट नीति दिख रही है कि ये ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाहते हैं उन ईमानदारी अभ्यर्थियों को जो मेहनत से अपने मार्क्स लाए हैं। तो और हम लोग तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से भी लड़ रहे हैं और हमारे माध्यम से हम इस पटवारी फर्जीवाड़े को तो पर्दाफाश करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के मुताबिक पटवारी भर्ती में ज्वाइनिंग के लिए जो कैंडिडेट नहीं आ पाए हैं उनकी नौकरी दूसरी जगह लग चुकी है, इसी के चलते वो उम्मीदवार अब पटवारी पद पर ज्वाइन नहीं करना चाहते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 2000 पदों का क्या होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो आचार संहिता लगने के बाद लोकसभा चुनाव तक भर्ती के लिए तीसरी काउंसलिंग होने की उम्मीद कम है। चुनाव के बाद भर्ती के लिए काउंसलिंग का अतिरिक्त राउंड चलाना है या नहीं, ये फैसला सरकार लेगी। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।